चलिए, तो अगर एक ब्रीफ की बात करें, हमने जो टॉपिक शुरू किया था, इस टॉपिक में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने बात की थी रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या फर्क होता है। उसके बाद हमने बात कही थी कि जीडीपी निकालने के तीन मेथड हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो सारे मेथड हमने पढ़े थे, उसका फॉर्मूले बेस हमने पढ़े, और जो रेस्ट पार्ट रहता है एक, उसमें डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट रहता है, और लास्ट टाइम 3 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिंपल वैल्यूज दी थी आपको, फॉर्मूले में रखनी थी, और पास होने के लिए एक एक दो दो मार्क्स से, 1 और 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, सॉलिड जैसे होते जाते हैं आपके आपके पास होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और बहुत ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप 30 मार्क्स एग्जामिनेशन हॉल में ये कह दें कि मेरे ये 30 क्वेश्चन सही हैं, तो आउट ऑफ रेस्ट 70 में से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाना बहुत चांस बनता है। तो 30 to 35 सही हो जाना आपको पास होने की तरफ ले जाता है। ठीक है, बाकी आपका तुक्का कितना सही लगता है इस पे भी रहता है, और आपका पूरा ब्लाइंड तुक्का नहीं होता है। 70 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है, 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा डाउट होता है, और कुछ ब्लफ होते हैं बिल्कुल। तो करने ठीक तो सारे करने, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये पूरा चीज हुआ था वो, तो आज जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसकी बात करेंगे, और कुछ डेटा जो न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे वो करेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटी मोटी क्वेरी आपकी है तो आप पूछ सकते हैं। रियल और नॉमिनल इनकम का डिफरेंस एक बार बता दीजिए ना। बता देते हैं, इसके लिए मैं जो हमने ये बनाया था ये चार्ट यहाँ पर आ गया वापस। देखो, रियल जीडीपी को बोला है बेस ईयर प्राइस पे, और बेस ईयर प्राइस करंट ईयर का भी नहीं होता, कोई बैक ईयर का होता है। जैसे सपोज कीजिए, हमने एग्जांपल में दिया था कि 80 रुपीज का ओनियन आज की डेट में अगर मिल रहा है, और 2016 में वो ओनियन 30 रुपी था, और हमारा जो बेस ईयर है, अगर हमारा बेस ईयर 2016 है, तो हमारी जो रियल जीडीपी हो जाएगी वो $30 मिलियन हो जाएगी, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी $80 मिलियन होगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और भी अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट हम इसमें लेके चलेंगे। सर एक बार रियल जीडीपी वाला बताओ ना, वॉइस कट रही। ठीक है, रियल जीडीपी होता है किसी बैक ईयर पे प्राइस को कैलकुलेट करना। इसमें एग्जाम्पल में देखिए, सामने दिया हुआ है कि 80 रुपी का ओनियन 2020 में है, वही ओनियन 2016 में 30 का है। तो अगर गवर्नमेंट ने बेस ईयर 2016 रखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने बेस ईयर 2016 रखा हुआ है, तो आप बोलोगे मेरी रियल जीडीपी $30 मिलियन है। अगर आपसे पूछा जाए नॉमिनल जीडीपी कितनी है, तो जिस ईयर में निकालना है उस ईयर की, अगर 2020 की निकाल रहे हैं तो 2020 में $80 मिलियन प्रोडक्शन। आप इस एग्जाम्पल में जो 2020 है, अगर बहुत रेलिवेंट करना चाहते हैं तो आप इसको 2020 को 2021 ले लीजिए, आपके लिए बिल्कुल रियल एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और इसमें से देखो ये न्यूमेरिकल भी बनते हैं कि कितने परसेंट का फर्क आया, तो बेस ईयर के प्राइस, और मैंने ये इंडेक्स वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, ये भी देखिए कि कोई वैल्यू 2021 में सपोज कीजिए 200 रुपीज की है, तो वो बैक ईयर में कितने की होगी, तो उसको इंडेक्स से वैल्यू करते हैं। तो ये हमारे इंडेक्स है, सर पिछली बार आया था ऐसा। ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ सर, हाँ, तो ये देख लीजिएगा फिर ना, क्योंकि देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो तो बाहर नहीं आ पाता, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कोई पुराने इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, और अभी एक बार हम जब हम उसको करेंगे ना इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन वाले में 2-4 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, उसमें भी इंडेक्स का यूज होता है। ठीक है, सर ये 5 मार्क्स का था, केस स्टडीज काइंड था, सबसे हाँ, वो पूरा 5 मार्क्स बना दिया हुआ। अच्छा था। ठीक है, और कोई छोटा क्वेश्चन किसी का?
वन क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स. बोलिए बोलिए सर. वन क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स इन सीआईबी. हाँ नहीं, वन क्वेश्चन नहीं, देयर विल बी द केस स्टडी. उसमें क्या एक डेटा दिए होंगे आपको, उसमें कई इयर्स होंगे, 2017 का पूछेगा, 18 का पूछेगा, 19, इस तरह से पूछ लेता है. लाइक अ सम ओनली, ये डेट ईयर का जो एग्जांपल दिया है ना, ऐसे ही उसको सॉल्व करना था. फिर किसी पर्टिकुलर ईयर का पूछा था, ऐसे अलग अलग पांच क्वेश्चन. हाँ वो पांच बना देगा, ईयर बना देगा, उसमें ईयर कई सारे देता है वो. ठीक है चलो, और कोई क्वेश्चन? चलिए तो हम उसपे आते हैं, हमारी थ्योरी वाला जो पार्ट है हमारा कुछ वो रह गया था. हाँ यहाँ थोड़ा बुक से मैं कोरिलेट करना चाहूंगा. जो हम लोगों ने जो अभी तक जितना पढ़ा है वो देखो बुक में भी कितने उसी तरीके से समझा रखा है. देखिए जब हम बात कर रहे थे कि एनडीपी कैसे बनता है, तो हमने बोला क्या आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. अच्छा अब यहाँ पे आप प्लस लिख के कंफ्यूजन मत हो जाना, सिंपल प्लस माइनस है. इस डेप्रिसिएशन को यहाँ ले गए तो जीडीपी निकालने के लिए एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दो, रिवर्स हो गया. ठीक है और ऐसे ही ये सब में देखो, यहाँ पे एनएफआईए का प्लस माइनस है, यहाँ पे अगेन डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे अगेन एनएफआईए. ये मेरे ख्याल से वो चार्ट से क्लियर हो गया होगा आपको जो मैंने आपको बताया था. और फैक्टर कॉस्ट की बात आई, देखो अब यहां देख लीजिए जरा, यहां पर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं. मींस हम लोग पहला जो चीज निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, क्योंकि किसी भी प्राइस में, किसी भी आइटम में जो प्राइस होते हैं हम मार्केटेबल प्राइस लेते हैं. पता लगा वो 2000 रुपीज का है. अब 2000 रुपीज में यहां पर देखिएगा, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. एक मिनट रुकिए, इसमें कुछ गड़बड़ है. ये आपके बुक में यही लिखा है, जरा देखिए तो. यस सर, सेम है सर. वैसे ही है सर. फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस सही है सर. हां सही है, ठीक है ठीक. आपने सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सप्लेन करके बताया था इसलिए. नहीं वो बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस. क्यों कंफ्यूजन हो रहा है उसको सर? डायरेक्ट कर दिया, वो ब्रैकेट में करते तो फिर वो माइनस ही होता सब्सिडी. मतलब कुछ ऐसा करके ऐसे. हाँ सर, सर तो फिर माइनस आ जाता सर ब्रैकेट में. चलो अब इसमें अल्टीमेट कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो भी आपका टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई करती है उसको आप हटा देंगे, और जो भी सब्सिडी है वो आप ऐड करेंगे. ठीक है, सब्सिडी उसकी वैल्यू को एडजस्ट करती है. मतलब सब्सिडी की वजह से वैल्यू कम हो गई थी, तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में आना है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो दिखाई दे रहा है उसमें सब्सिडी को जोड़ेंगे आप, तभी तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे आएंगे. ठीक है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल बना देता. ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम जो किसी किसी सेट में ये दो जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक तो पर्सनल इनकम वाला और दूसरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला, इसमें से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था. अब जो आप लोग क्वेश्चन एग्जाम देने जाते हैं आपको ज्यादा पता रहता है. ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन आया था देखिए, पहले तो इसे समझना है हमको कि व्हाट इज पर्सनल इनकम और व्हाट इज प्राइवेट इनकम. अगर हम इसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो इसमें क्या है, इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. अब ये पीरियड का टाइम आ गया वन अकाउंटिंग ईयर, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइज एंड टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट इनकम एज दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी अगर 2000 करोड़ का प्रॉफिट ले रही है, तो ये जो प्रॉफिट है कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से उसने 20% रिटेन्ड करा. रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं ना इसको, तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, वो कैपिटल में प्लस हो जाती है. तो जो कैपिटल में प्लस हो रही है वो पर्सनल इनकम में नहीं आती है, केवल जो 80% है यानी 1600 करोड़ रुपए ही वो पर्सनल इनकम में आएंगे. तो अब फिर देखिए यहाँ पे नीचे फॉर्मूला, पर्सनल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा हुआ, 20% होगा, माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनी. तो जब कल या परसों पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि फॉरेन कंपनी सारा पैसा नहीं ले जा सकती, तो यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ डोमेस्टिक कंपनी का हो गया, यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग हो गई फॉरेन कंपनी की,
और टैक्सेस, टैक्सेस क्या होता है, वो गवर्नमेंट की होती है, वो पर्सनल इनकम में नहीं आता। तो ये जो फॉर्मूले हैं या तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आप मिस ना कर जाए। प्राइवेट जो इनकम है, प्राइवेट इनकम नीचे एक्सप्लेन करी हुई है, प्राइवेट इनकम जो होती है उसको प्राइवेट इनकम कैसे एक्सप्लेन किया है, पूरे नेशन की इनकम, नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइजेस। अब इससे मतलब ये है कि एक तरह से बिजनेस वाली इनकम, इससे मतलब क्या है, बिजनेस से जो भी इनकम हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से हो रही है, एंटरप्राइज से हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज, माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं उनकी सेविंग, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट से मतलब क्या हुआ कि जो भी कंट्री पर जो कर्ज है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो तो बाहर चला जाता है, लेकिन वो आपका पार्ट है वहां प्लस करते हैं। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, तो नेट ट्रांसफर का मतलब आना और जाने का जो नेट बनता है वो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड, गवर्नमेंट का या बाहर का प्लस माइनस होना। तो ये आपको थोड़ा सा रटना टाइप का पड़ेगा, देखिए, और मैं फिर बता रहा हूं कि आपको ये करना पड़ेगा। प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, और उसके बाद है पीडीआई। पीडीआई का मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी समझाने के लिए थोड़ा सा। पीडीआई में क्या होता है कि जो भी आपकी पर्सनल इनकम आई, उस पर्सनल इनकम जो आपने टैक्स वैक्स हटा दिया, उसमें से पर्सनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, फाइन सब हटा दीजिए, तब जो आपके पास बचेगा पैसा, वही पैसा आप मार्केट में जाके कुछ परचेज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं, अगर आप बोलते हैं मेरा सैलरी जो है 56,000 है, ठीक है, लेकिन वो आपका पर्सनल इनकम है, लेकिन उसमें से टैक्स कटेगा आपका। फिर अब आप कुछ लेने गए तो उसमें जीएसटी लग रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्स, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी चीज लग रही है, कहीं पे आपको कुछ पेनल्टी पड़ गई, बिजली का बिल का पेनल्टी हुआ, कुछ हुआ, तो जो भी गवर्नमेंट को पेमेंट देना पड़ा आपको, उसके बाद जो बचता है उसी का आप दूध पानी दही जलेबी खा सकते हैं। इसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो तीन ये जो फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से लास्ट टाइम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको आप कैसे रटेंगे, लिख करके वर्टिकल लिखिए, कुछ भी करिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ऐसा समझाने का नहीं, जो फिगर यहाँ दी हुई है वही फिगर वहां से उठा के प्लस माइनस आपको करनी, ठीक है। रियल इनकम का मैंने बता दिया कि जनरल लेवल प्राइसेस पे होता है, ये सब बता दिया। हाँ, एक आया ऑपरेटिंग सरप्लस, नया टर्म आया है ये। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, उसने कहा रेंट की इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिजनेस में होने वाला, डिविडेंड और अदर से मिलता, इसको बोला ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों बोला, कि यही वो इनकम होती है जिनसे कोई कंपनी ऑपरेशन के लिए अपने खर्चे अरेंज करती है। रेंट इंटरेस्ट का मतलब उसने अपनी कोई मशीनरी, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी रेंट में दे रखी है, उसी कंपनी को होने वाला बिजनेस से प्रॉफिट और उसको कोई डिविडेंड या कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा हो, तो कोई भी इनकम जो हो रही है उस कंपनी को ऑपरेटिंग यानी अपनी कंपनी को रन करने के लिए यूज करता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसको ऑपरेटिंग। ऐसे ही आया, हाँ, रेंट एंड इंटरेस्ट अलग-अलग है। कौन सा वाला? ऑपरेटिंग रेंट इंटरेस्ट। हाँ, रेंट इंटरेस्ट। ऐसा है, देखो सुनो, जब हम लोग, मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स में जब इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इंटरेस्ट को इसमें एक्सप्लेन करते समय बहुत सिंपल बोला जाता है कि मनी का रेंट, भाई आपने 2 साल तक 2,000 रुपए रखे, उसका किराया होता है, तो रेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, स्लैश कर लीजिए उसे दोनों को। अगर मशीनरी या प्लांट देंगे तो उसे रेंट बोलते हैं, पैसा किराए पे देंगे तो उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें सब्सिडी को एडजस्ट कर लेते, जो ऊपर कर रहे थे ना वो, तो वो दोनों एडजस्ट करने के बाद जो नेट आएगा, कभी हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो, कभी हो सकता है कि सब्सिडी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल वही हैं, फैक्टर कॉस्ट वाला फॉर्मूला, वो दोबारा रिपीट किया हुआ, इसमें कुछ नया नहीं। हाँ, यहाँ पर
एक नेशनल इनकम के बारे में इसने बताया हुआ, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में यहाँ क्या, एक तो जीडीपी आप ले लेंगे, जीडीपी में क्या किया उसने, डेप्रिसिएशन और ये और ये। अच्छा आप मुझे एक चीज बता सकते हैं आप, ये जो तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड क्या बनाते हैं? ग्रॉस नेट एनएनपी सर, हाँ एनएनपी बनाते हैं, ठीक है। उस एनएनपी में अगर ये फैक्टर कॉस्ट वाला देखो है ना, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो तो उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। बताया था ना कि एनएनपी यानी जीडीपी से आए आप एनडीपी पर और एनडीपी से आए एनएनपी पर, यानी ये और ये एडजस्टमेंट आ गया। ये प्लस लिखने का मत समझ लीजिए, प्लस का मतलब यहाँ पे नेट लिखा हुआ है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अभी इंडिया में कंट्री में ये माइनस चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर कॉस्ट को भी कंसीडर कर लिया जाता है एनएनपी पर, तो उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में वैसे अगर इनकम मेथड से निकालेंगे, ये कौन से मेथड से निकाला इन्होंने, जीडीपी मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। अगर इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी तो कैसे, वेज रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, जितने लोगों को ये मिल रहा है सबको जोड़ लिया उसने। तो क्या जोड़ा, किसी को किराया मिलता है वो लेबर यानी कि मजदूरी या सैलरी मिलती है, किसी को प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है, किसी को पैसे को इंटरेस्ट मिलता है, किसी को पैसे को डिविडेंड मिलता है कैपिटल पे। जो कंपनी कुछ भी पैसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखती है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं उसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज, ओपनिंग स्टॉक जो होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस में वो, प्लस मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, एनएफआईए, प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो ये नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो जितने पॉइंट है, आपसे रिक्वेस्ट है अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक में क्या है आधा लाइन यहाँ छूट गया है, दूसरा लाइन यहाँ, तो आप या तो वर्टिकल लिख लीजिए, इस तरह लिखिए कि आपको दिखे दूर से कि ये फॉर्मूला है, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, वो तीन तो वो थे प्राइवेट यानी कि एक बंदों का एक्सपेंसेस, एक कंपनी का और एक गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट का, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक से मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्टॉक से मतलब है कि पहले आपने जब ओपनिंग करी थी तो 300 टन था और जब क्लोजिंग करी तो 200 टन है, तो ये क्या हुआ, माइनस हो गया, कम हो गया। अगर ये क्लोजिंग करते समय 100 हो जाए, 400 हो जाए, 400 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 100। तो अगर कभी भी ये स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब कुछ बड़ा है, तो क्या बड़ा है, आपकी नेशनल इनकम बढ़ी है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट में सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें दो तीन चीजें जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो ये 7-8 पॉइंट है इसमें से थ्योरी का पॉइंट आता है। सबसे पहले यूटिलिटी में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि सारे पॉइंट यूटिलिटी बोली, जीडीपी की यूटिलिटी क्या है, क्या, तो जीडीपी इज एन एग्रीगेट मीजर, सबको मिला जुला के, इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ द जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पूरी कंट्री को बोल रहा है या पूरे स्टेट को बोल रहा है कि $40 मिलियन है साहब, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अंबानी सर के पास इतना, बिरला सर के पास इतना, टाटा सर के पास इतना, और किसी के पास इतना, और एक आम आदमियों के पास इतना, ठीक है। पॉइंट्स दिख रहे होंगे, बहुत छोटे बना रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, कुल मिला के तो $40 मिलियन है, इसका मतलब किसी कंट्री की जीडीपी होना वहां के हर बंदे की खुशहाली का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ कम लोग वो तो अरबपति हैं, बहुत कम लोग करोड़पति, बहुत कम लोग लखपति, और बहुत सारे हजारपति हैं, समझ में बात है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड नहीं करता है, ये केवल कहता है कि हाँ इतना हुआ है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। यानी पर कैपिटा इनकम आप निकालते हो तो एवरेज निकलती है, लेकिन वास्तव में ऐसी होती है क्या, किसी की इनकम जो है 2 करोड़ रुपए महीना है, किसी की इनकम 2000 रुपए महीना भी है। Another derivative of GDP also does not indicate the pattern of income, जो मैंने अभी आपको explain किया, income distribution का pattern वो नहीं करती है। A country may have high GDP but skewed distribution, तो जो हम distribution में इस तरह कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके मतलब यानी इतने सारे लोगों को तो इतना average income है, बहुत कम लोगों को बहुत ज्यादा है, और बहुत कम लोगों को इतनी भी है, तो इस तरह से बना रही। Next point क्या है,
like the inequality of income distribution among population, there could be regional disparity. अब regional disparity क्या है? पता लगा कि ये जो $40 million है, उसमें से चेन्नई में तो आ गया $10 million और हिमाचल में आ गया $1 million, नॉर्थ ईस्ट में आ गया 0.5, तो यहाँ 10 million आ गया. तो क्या है, रीजनल भी डिस्पैरिटी है. रीजनल यानी ज्योग्राफिकल एरिया का भी ये इवन वो नहीं है. ठीक है, आगे क्या है, हायर जीपी डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई हायर वेलफेयर. जैसे मैंने अभी पहले बात करी थी, वेलफेयर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट. आपको पता होगा एक इंडेक्स आता है ईयरली एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स जारी किया जाता है. आप बताओगे उस इंडेक्स का नाम क्या जिसमें नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है? HDI. वेरी गुड. तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. तो किसी कोई कंट्री बहुत अमीर है लेकिन उसका HDI हो सकता है 135 रैंक हो. कोई कंट्री बहुत गरीब है लेकिन जितना भी पैसा है वो सबके बराबर बटा हुआ है. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई द्वेष भावना नहीं रखते, एजुकेशन उनकी सबकी अच्छी है. तो इस कंडीशन में वो HDI यानी वेलफेयर एक अलग चीज है. वेलफेयर वाइडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, encompasses development in all aspect of society. यानी क्या क्या, health, education, sanitation. तो वो GDP जो मैंने SDI की बात करी. India has over time grown a low GDP nation. तो अब पहले कभी जो है low GDP थी हमारी, अब high हो गई है. Yet its social development indicator not commensurate favorable. जिस तरह से GDP बढ़ी इंडिया की, social development नहीं बढ़ा है. Therefore interpretation of GDP such should always be supplemented by some kind of SDI. हो आगे लिखा हुआ SDI आगे ना. ठीक है, तो जीडीपी के साथ होने वाला जीडीपी मेरी $15 million, HDI में मेरी 140th रैंक, तो अच्छी बात नहीं है. अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि नॉर्वे के पीएम ने अपने बर्थडे में 13 लोग बुला लिए और वहां लॉकडाउन में 10 लोग से ज्यादा नहीं बुला सकते आप बर्थडे में, तो उनको फाइन पड़ा पीएम को. नॉर्मल फाइन वो शायद 2-3 हजार रुपए था लेकिन पीएम को फाइन हुआ 1,75,000 रुपीज के बराबर कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको हम ज्यादा फाइन लगाएंगे. और नॉर्वे नंबर एक में है SDI में, खुशहाली में. ये जो बताया ना पे क्या क्या चीजें हैं, हेल्थ एजुकेशन और ये सैनिटेशन पे. ठीक है, तो ऐसे भी एग्जांपल हैं देश वर्ल्ड में. नेक्स्ट है, GDP डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इफ द कंट्री इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री. अब देखो कि कई सारी कंट्री ऐसा है अपना अपने लिए तो थोड़ा सा बनाती है और दुनिया के लिए ज्यादा बनाती है, तो वो कह रहा है कि वो टोटल इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करता. वन ऑफ दो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी जैसे अपनी अपना मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सब जो पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, ताइवान है, इनके लिए बात कर रहा है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ मोर एक्यूरेट मेजर टू रिकॉर्ड. तो अब यहां बोला कि जो GDP में है, इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं? यस सर. NFIA टाइप मतलब अपने वहां जो कर रहे हैं तो उसके वहां जो आने जाने वाला वो है, और एक फॉर्मूले में x माइनस m का यूज होता है. तो जब ये x माइनस m को भी यूज करें तो GNP में जब आप आते हैं, यानी कि डोमेस्टिक से आप नेशनल प्रोडक्ट पे आते हैं, तो वो कहता है नेशनल प्रोडक्ट बढ़िया चीज है. अगर आपकी कंट्री में कुछ कम प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आपकी कंट्री की एक कंपनी USA में है, वो $15 billion का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है. ठीक है, कॉन्सेप्ट लाइक GDP डज नॉट थ्रो लाइट हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड. लोअर लेवल फाइनेंशियल, वही बात है कि कितने लोअर लेवल वाले हैं, कितने है, उससे कोई मतलब, वो तो पूरा मिला के बता देती है आपको. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट GDP टूडे इज ग्रीन GDP. अब ग्रीन GDP में क्या है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर रहे हैं, आपने बहुत सारी कंपनियां चला रखी हैं, आप बहुत सारी इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपने खूब कार्बन प्रिंट कर रखा है, पॉल्यूशन कर रखा है, और दूसरा कंट्री कम प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन उसने खूब बाग बगीचे लगा रखे हैं. तो अब ये ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें ये हुआ कि जो हिमाचल जो बेल्ट के स्टेट हैं उनको कुछ फायदा दिया जाए. ऐसे ही कार्बन फुटप्रिंट की बात है. हाँ, इसमें एक चीज और मैंने बताया था कि जो फ्री की सर्विसेस होती है उसकी कोई बात नहीं करी गई है. आपकी बुक में भी 6 पॉइंट है ना? चाहिए, ठीक है. पता नहीं पुरानी बुक में मैंने पढ़े थे कहाँ थे. तो 2 पॉइंट और बता रहा हूं मैं. जो हम डोमेस्टिक सर्विसेज करते हैं, हमारे वहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन हैं, जितनी हाउस वाइफ्स है
वो हाउसवाइफ जो दिन भर घर में काम करती है उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं विदेशों की, वहां पे हाउसवाइफ बहुत कम है तो वो घर से बाहर निकलती हैं काम करने, तो एक तो उनकी इनकम होती है और उनके घर में जो काम करने जाता है उसको वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करती हैं, तो देखिए डबल फायदा हुआ। ठीक है, दूसरी बात जो मिलिट्री पे एक्सपेंसेस है, पुलिस पे एक्सपेंसेस है, तो अगर हम बात करें कि हमारा इतना एक्सपेंसेस पुलिस पे होता है, इतना एक्सपेंसेस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है, तो हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन ऐसी जीडीपी किस काम की? तो ये खर्चा जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में होना चाहिए। जो सिक्योरिटी पर खर्चा किया जा रहा है ना, तो मैंने अभी मैं लास्ट पॉइंट था कि जो सिक्योरिटी वगैरह पे एक्सपेंसेस होते हैं आपके जीडीपी में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो ये सारे जो इसके पॉइंट हैं, अब मैं कुछ ऐसी स्लाइडें दिखा रहा हूं आपको जो हमने अभी तक पढ़ा है, उस पढ़े हुए को बहुत अच्छा बना देगा वो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि डेटा सामने रहेगा तो फिर आपको काफी अच्छा लगेगा। सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक प्रोफेसर सर की स्लाइड्स हैं, इसमें वही चीज जीडीपी जीएनपी सब कुछ बता रखा। हाँ, इसमें जो ये वाला पेज है देखो, ये एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में है आपका, आपका क्वेश्चन वहां इसी तरह से आएगा। ठीक है, और इसमें आपको बहुत चीज क्लियर होंगी। जैसे जरा जो पहला वाला जो एस्पेक्ट है सर, एक चीज पूछे। हेलो, पूछिए सर, पूछिए सर। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है या न्यूमेरिकल में पूछा जाता है? देखो, हर टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन थ्योरी का होता है, और थ्योरी का जब भी क्वेश्चन आता है तो केस स्टडी में नहीं आता, वो सिंगल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में कोशिश वो करता है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसके सेक्शन बना देता है, क्योंकि अगर जैसे एक टेबल देगा तो उसमें एक नंबर का मार्क्स नहीं आएगा, उसमें तीन या पांच के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब ये जैसे पहला वाला एक डेटा दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एनडीपी मार्केट प्राइस दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी दी हुई है, फैक्टर कॉस्ट सब दिया हुआ है, तो वो निकाल रखा सब। तो आपको पता होना चाहिए जीडीपी से एनडीपी क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लीजिए, 55,826 में से 5,600 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं सर, डाउट है इसमें? नो सर, नो सर, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं इसको शेयर करूंगा आपको, तो आप इसमें से जो है और स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका, ये बन गया। अब ये हमने बताया था, इन्होंने क्या करा है, ये फिगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के एडजस्टमेंट के बाद दे रखी है यहाँ पे, यानी दो फिगरों को एडजस्ट कर रखा है। तो उसमें आपने करा तो क्या निकल जाता, फैक्टर। तो मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। फिर उसने बोला कि एनएफआईए क्या है। अब देखो यहाँ पे तीनों में क्या दे रखा है, माइनस। तो हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, माइनस का मतलब क्या है, जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये एनएनपी बनता है। तो एक स्लाइड तो ये है सिंपल, आगे बात करते हैं। ये आपको वन मार्क्स क्वेश्चन देगा, ये आपको वन मार्क्स क्वेश्चन देगा प्योरली, क्योंकि इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है। आप ये समझ लीजिए, स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में। कैसे? वो पूछता है कि इंडस्ट्री के सब सेक्टर कौन से। इंडस्ट्री के तीन सब सेक्टर है, पहला है माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग का मतलब, माइनिंग और माइनिंग का मतलब हो गया कोल, तो बताएगा क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? नहीं, जो अर्थ के ऊपर होता है उसको क्वेरिंग बोलते हैं, खनन बोलते हैं। जैसे पत्थर है, रेता है ना, बालू है। और माइनिंग में क्या होता है, जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। हाँ, जमीन से अंदर से खोद से निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसी फिगर्स आ सकती हैं। आपको माइनिंग की फिगर, मैन्युफैक्चरिंग की देगा, तो आपको उसे जोड़ करके कहाँ ले जानी है, इंडस्ट्री में ले जानी है। तो इंडस्ट्री माइनिंग क्वेरिंग की होती है, मैन्युफैक्चरिंग की होती है, और ये एनर्जी रिसोर्सेज की होती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई। ठीक है, ये फिगर है सिंपल, इसमें किया कुछ नहीं, इन तीनों फिगरों को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी की इनकम है, ये इंडस्ट्री की इनकम है। अब सर्विस में सेक्टर, सर्विस में कौन कौन से होते हैं? सर्विस में देखो, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और ये है आपका सेक्टर, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस। तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे
तो हमारा ये फिगर बन जाएगा, और ये तीनों को फिगर ऐड कर देंगे तो हमारी जीडीपी निकल जाएगी, ठीक है। और ये जो इधर परसेंटेज दिया हुआ है इसको जरा देख ली साइड में, हालांकि बहुत पुराना डेटा है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अलग है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को एक तो कंस्ट्रक्शन के साथ भी लेते हैं कभी, और कभी सिंपल सेपरेट भी लेते हैं, और बाकी सर्विस, ठीक है। तो अगर ये जो फैक्टर है सर्विस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को इधर जोड़ देते हैं तो इसमें हो जाता है, तो इस तरह मिला जुला के, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे देखते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल आपका ये बन सकता है, क्या है इसमें, देखो ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ना, सी आई जी, कंज्यूमर का, इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये सारी वही फिगर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। यहाँ पर है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन, यानी कि जो इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का, और ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें क्या है, जो भी कैपिटल फॉर्म हो रही है, चाहे वो हाउस होल्ड कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आपके वहां आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना होगा इसको, और बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है जितना मैंने आपके साथ वो किया है, ओके। एक चीज लास्ट में मैं जरूर करना चाहूंगा, ये हाई लेवल है, ये इसके आगे का मत देखिएगा आप, ये जो बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला, ये आपके में नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये स्लाइड जो है आपकी यहाँ तक ही काम किए हैं, 12 नंबर स्लाइड तक आपकी काम किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में खुशी से उछल सकते हैं, किस कंडीशन में, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जरा देखिए स्क्रीन दिख रही ना सबको? यस सर, दिख रही। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। एक तो वर्ड है जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ जीडीपी डिफ्लेटर वर्ड है। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर वर्ड है, इसमें जो भी न्यू गुड्स आती हैं, जैसे मान लिया मैं बताऊं, अभी कोरोना आया, ये जो मास्क है, मान लिया मास्क पहले यूज नहीं किए जाते थे, मान लिया सपोज, तो वो तो इसी बार आएंगे, पहले तो होते ही नहीं थे वो, तो उसको तो आप लाओगे ना वहां पे जीडीपी में। यानी कोई भी आइटम बन गया मार्केटेबल है, लाओगे, तो इसमें डेफिनेशन लगेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो कि पिछले साल नहीं होती थी। कभी जमाने में ये चिप नहीं आती थी, उससे पहले सीडी नहीं आती थी, सैनिटाइजर आता था, थोड़ा कम यूज होता था, लेकिन जो मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, चिप, सीडी, पेन ड्राइव, टेप रिकॉर्डर, पहले वो ब्लैक वाले चलते थे, तो सब चीज नई नहीं आती गई ना, तो न्यू वाली जो चीज आती है, तो उन चीजों का एवरेज जो प्राइस होता है उसका मेजरमेंट को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला यहाँ पे जो पीछे बात कर रहे थे हम, क्या उसका फॉर्मूला क्या है, कि नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी इनटू 100। अब देखो इसमें नीचे क्या रखा हुआ है, रियल जीडीपी यानी पुराने साल की जीडीपी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप एग्जांपल में जो है दो चार्ट यहाँ बगल में दिए हुए, देखो पहले में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ लैपटॉप दिया हुआ है, 2015 में इतने रुपए का था, फिर उसमें इतने रुपए का हुआ, फिर उसमें इतने रुपए का हुआ, दिया दे रखा, ठीक है। और नीचे जो दे रखा है इन्होंने, ऊपर तो दिया हुआ करंट प्राइस पे, नीचे दिया हुआ बेस ईयर प्राइस पे, आइटम सारे वही हैं, देखिए है नहीं है। तो जो करंट ईयर के प्राइसेस है वो है आपके नॉमिनल, और जो रियल प्राइसेस है वो कौन से वाले हैं, बेस ईयर वाले। क्लियर है बात? अब नीचे कैलकुलेशन देख लो, तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर का आ सकता है, फिर बता दे रहा हूं मैं, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, तो है सिंपल, मैं थोड़ा आलस कर गया इसको बनाने में। तो इसमें क्या है, देखो जैसे 2015 के लिए निकाला इन्होंने जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, तो उन्होंने फॉर्मूला बता दिया ये, तो उन्होंने कहा कि जो वैल्यू नॉमिनल जीडीपी की है, तो कितनी नॉमिनल जीडीपी है देखिए, 49,000, ठीक है। और इधर सेम ईयर में
तो सेम ईयर में तो कोई रहेगा नहीं, तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना रहेगा 100। लेकिन जैसे ही आप 2016 पे गए, 2016 पे जो बेस प्राइस है वो तो 56 है, और जो आपके ये प्राइस हैं करंट वाले, करंट वाले थोड़ा ज्यादा है। तो आप देखिए कि बेस ईयर से जब निकालेंगे तो इतना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया इतना। अच्छा आपको ये आंसर करना, क्या जीडीपी डिफ्लेटर कभी कम भी हो सकता है? यस सर, हो सकता है अगर प्राइस कम हो, सस्ता हो जाए चीजें, अगर आपका जो बेस ईयर है वो ज्यादा हो जाए और करंट ईयर जो है वो कम हो जाए, सब चीजों के प्राइस कम हो जाए मान लिया। तो अगर सब चीजों के प्राइस कम हो जाएंगे, पहले वो पिछले बेस ईयर में ज्यादा थे, तो वो मतलब परसेंटेज उसकी 100 से कम भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो यही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है कि यहाँ तो ये रेट दिए हुए हैं। अब रेट से क्या, इस टेबल का यूज क्या पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये बन, सिंपल है, कुछ नहीं, वो मल्टीप्लाई कर का। ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये जो है एक सिंपल सा स्लाइड है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है। ठीक।